हमारा पहला कुकिंग वीडियो जो कि हमारे नॉन वेज लवर्स के लिए है। ये सर्डिन्स का एक कैन है 200 ग्राम का, जो सिर्फ 48 रुपीस में मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे नॉन वेज फ्रेंड्स के लिए ये एक रेसिपी मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे मसाले हैं जीरा 2 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, मीट मसाला हमने लिया है 1/2 चम्मच, गरम मसाला लिया है हमने 1 चम्मच और रेड चिली पाउडर लिया है हमने 1 चम्मच। हमने 2 प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च, 1 बड़ा सा टमाटर, 2 तेज पत्ते और लहसुन की कुछ कलियां। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा सर्डिन जो कि 200 ग्राम्स का है, 4 लोगों के लिए काफ़ी है, हमने ले लिया है हमारे बाउल में। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम भी 2 तेज पत्ते पहले इसमें डाल देंगे, इसको तोड़ के दें ताकि इसका जो टेस्ट है निकल के आए। इसके बाद प्याज यहाँ पे 2 हरी मिर्च और हमारे टमाटर, तो थोड़ा सा छोटे में देखिए हम लोग थोड़ा पकने के बाद हम लोग हमारे इसको डालेंगे। मैंने गार्लिक को और भी बारीक करके काट लिया था, मैं डाल दे रहा हूँ उसमें। हल्दी 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार, मैंने अभी 1 चम्मच दिया है, बाद में टेस्ट करके थोड़ा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और गरम मसाला और मीट मसाला जो है वो मैं आखिर में दूंगा। आप देख सकते हैं कलर, इसका कलर पकड़ रहा है, तो मैं अभी थोड़ा इसमें पानी डाल दूंगा इसको थोड़ा उबलने के लिए। मैंने पानी डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो कलर है उसका टेक्सचर आ चुका है, ये बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें अपना फिश डाल देंगे। तो ये रहा हमारा फिश डाल। फिश डाल दिया है, इसको 10 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे धीमी आंच पर, इसके बाद इसको निकाल देंगे। इन द मीन टाइम मैं मेरे जो नेक्स्ट मसाले हैं उनको डाल देता हूँ। ये मीट मसाला और ये गरम मसाला था तो मैंने इसको भी डाल दिया। मैं यहाँ पे अपना जोर लगा रहा था लेकिन भूल गया था, ये बहुत ही डेलिकेट फिश है तो हमें बहुत संभाल के इसको हिलाना है, तो ज़्यादा हम नहीं हिलाएंगे इसको, भी उबलने देते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल टचअप। ये रहा हमारा सर्डिन फिश करी जो कि राइस के साथ बहुत ही अच्छा बढ़िया मैचिंग होगा, ईजी टू कुक ईजी टू प्रिपेयर। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।